नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे नोटपैड का एडिट मेनू, जिसमें आपको फाइंड, नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू और सेलेक्ट ऑल और टाइम और डेट कमांड बताएंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के भी बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ये नोटपैड है और इसमें जानेंगे फाइंड। फाइंड कमांड का यूज करेंगे एडिट मेनू से। इस डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड अगर आपको फाइंड करना है तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे। जैसे हमने डॉग फाइंड करना है तो यहाँ पे डॉग टाइप करेंगे, और डाउन डाउन में सर्च करना है तो डाउन पे क्लिक करके आप यहाँ से डाउन पे जा सकते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट पे, कि आपका कहाँ कहाँ पे डॉग लिखा हुआ है। अगर आप अप में करते हैं, अप कमांड पे टिक करके, तो ये आपका अप में फाइंड करेगा। अगर उसी को डाउन में कर देंगे तो इस तरह से डाउन में ये फाइंड करता हुआ जाएगा। ये फाइंड, इसे हम क्लोज कर देते हैं। अगर आप यहाँ से फाइंड एडिट मेनू में फाइंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो नेक्स्ट जाता होगा। अगर यहाँ से शॉर्टकट की यूज करेंगे F3, तो यहाँ से कीबोर्ड से अगर F3 प्रेस करेंगे तो वो फाइंड नेक्स्ट करता हुआ चला जाएगा पूरे डॉक्यूमेंट में। अब आता है रिप्लेस। रिप्लेस कमांड का यूज करते हैं, जैसे किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है। जैसे डॉग है, यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे। अब हम रिप्लेस कर देते हैं कैट से, CAT, कैट। तो यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, क्योंकि नीचे नेक्स्ट लाइन है नहीं, इसलिए नहीं फाइंड करेगा। और रिप्लेस करते हैं तो वो आपका रिप्लेस हो जाएगा। डॉग जो है कैट में हो गया। रिप्लेस ऑल कर देंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में जो डॉग है वो कैट में रिप्लेस हो जाएगा। देख पाएंगे जहाँ पे भी डॉग था वहाँ पे आपका कैट हो गया है। तो इस तरह से आप फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस कमांड यूज कर सकते हैं। गो टू पे जाने के लिए आपको यहाँ से स्टेटस बार ऑन करना होगा, और यहाँ से वर्ड रैप हटा देते हैं, फिर आपका यहाँ से स्टेटस बार ऑन हो जाएगा और इस पे आप जा सकते हैं। यहाँ से हमने एंटर करके कुछ लाइनें बना देते हैं, फिर आपका ये गो टू कमांड हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से तो एडिट मेनू में जाएंगे, यहाँ से गो टू पे, जैसे कि हमें सेकंड लाइन पे जाना है तो सेकंड लाइन 2 नंबर प्रेस करेंगे, गो कर देंगे, आपका कर्सर वहाँ पे ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आप देखिए 2 नंबर लाइन पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। आता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल करने का मतलब है पूरे डॉक्यूमेंट में जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका सेलेक्ट हो गया है, ये देख पा रहे हैं। इस तरह से सेलेक्ट हो गया है। इसे कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी या एडिट मेनू में पेस्ट। और यहाँ से हम वर्ड रैप लगा देते हैं ताकि आपका एक ही डिस्प्ले पे शो हो और नीचे का ये स्क्रॉल खत्म हो जाएगा वर्ड रैप लगाने से। टाइम और डेट, टाइम और डेट इंसर्ट करने के लिए जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा वहाँ पे आपका टाइम और डेट इंसर्ट हो जाएगा एडिट मेनू में। ये आपका टाइम और डेट, इस तरह से आप टाइम और डेट इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे व्यू, फॉन्ट और फाइल मेन्यू, क्योंकि ये बहुत छोटे ही कमांड है और ये एक वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो
यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आप तक के सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, वंदे मातरम।